तो हेलो गाइस, टेक्निकल सोनू किंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग FRP की। सैमसंग FRP ने हमारे नाक में दम करके रख रखा है। हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ नई सिक्योरिटी आ जाती है जिसको हमें क्रैक करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे आप 11 और 12 FRP को बाईपास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में यहाँ पर वाईफाई को कनेक्ट करके आगे नेक्स्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें FRP है या नहीं है और कैसे आप इजीली अनलॉक टूल से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर इसने मांग लिया गूगल रीसेट पिन जो था हमारा वो। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर बैक। तो गाइज़, अब हमें चलना है अपने अनलॉक टूल पर। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक टूल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लिक करना है MTB ड्राइवर इंस्टॉलेशन पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं MTB ड्राइवर इंस्टॉलेशन ओके हमारा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अभी USB का जो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पर पोर्ट नहीं बनी है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा ड्राइवर ये इंस्टॉल होगा वहाँ पर एक पोर्ट बन जाएगी। अभी हमारा फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर दोस्तों। तो ये यहाँ पर अभी एरर मारने वाला है। तो दोस्तों, अभी हमारा ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए एरर मार रहा है। इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया है। दोस्तों, दोबारा से मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, दोबारा से मैंने ड्राइवर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है USB, वहाँ पर एक ड्राइवर हमारा आ चुका है। सैमसंग ड्राइवर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर है सैमसंग FRP को करना है रीसेट। रीसेट पर जाकर सबसे नीचे एलियन शेड पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ओके आ चुका है। यहाँ पर जो अनलॉक टूल का काम था वो हमारा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने मोबाइल पर। यहाँ पर अनलॉक टूल पर हमें करना है व्यूज। व्यूज़ करते हैं दोस्तों, हमारा मोबाइल चला गया गैलेक्सी स्टोर पर। तो दोस्तों, गैलेक्सी स्टोर को कर लेना है यहाँ से अपडेट। सिंपल तरीका है, आगे कुछ हमें एक्स्ट्रा का कोई भी वर्क नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और ना ही किसी फेक प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गैलेक्सी जो स्टोर है उसको अपडेट होने देना है। जैसे ही हमारा स्टोर अपडेट होगा वापस से हमारा फ़ोन जो लैंग्वेज ऑप्शन FRP होती है वहाँ पर चला जाएगा। फिर दोबारा से हमें सेम मेथड का इस्तेमाल करना है अनलॉक टूल से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा फ़ोन बैक आ चुका है। अब हमें दोबारा से अनलॉक टूल की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ अनलॉक टूल पर। तो फ्रेंड्स, अनलॉक टूल पर मैं आ चुका हूँ। दोबारा से हमें MTP ड्राइवर को कर लेना है यहाँ पर इंस्टॉल। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है। और उसके बाद दोस्तों पोर्ट भी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें FRP जो बाईपास है MTP उस पर कर देना है क्लिक और नीचे चले जाना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कोई भी स्टेप को आपको नहीं छोड़ना है, सेम फॉलो करना है। दोस्तों, देख सकते हैं अब मैं चल देता हूँ मोबाइल पर। मोबाइल पर वापस आ चुका हूँ दोस्तों मैं। अब यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, व्यू पर क्लिक कर दिया है मैंने दोस्तों। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एलियन शेड करके जो हमारा ऐप्स है उसको कर लेना है हमें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी ID गेन नहीं है। आगे का प्रोसीजर आपको तो सिंपली पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ID क्रिएट की है इसकी, उस ID को गेट देना है। ये ID क्रिएट करने की भी वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है कैसे इस ID को क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ID मैंने ऑलरेडी वहाँ पर गेट दी है। जो आगे का प्रोसेस है वो भी कर दिया है।
अब यहाँ पर खोल लेता हूँ दोस्तों मैं UMT। ऐसा नहीं है, UMT से ही करेंगे दोस्तों। अनलॉक टूल में भी ये ऑप्शन है ADV ऑन FRP करके, और उसको यहाँ पर ADV FRP मेथड से कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फ़ोन ADV मोड पे FRP रीसेट होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमारी FRP डन हो चुकी है। मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ FRP हमारी जो इरेज हुई या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, हमारी FRP रिसेट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं फिर मिलूंगा अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।